इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बॉलीवुड फिल्म देव देव के अपडेट्स। ये वीडियो आप लोगों में से ही किसी एक के रिक्वेस्ट पर है जिनका नाम है मुकेश गंगोई। तो चलिए शुरू करते हैं। देव जो रिलीज हुई थी 11 जून 2004 को, फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार्स की रेटिंग दी गई थी और ये एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था और प्रोड्यूस किया था गोविंद निहलानी ने। आ जाते हैं राइटर पर, तो वो है जीडी देशपांडे, गोविंद निहलानी और मीनाक्षी शर्मा। कास्ट की बात करें तो इसमें अमिताभ बच्चन, फरदीन खान, करीना कपूर, ओम पुरी, अमरीश पुरी और रति अग्निहोत्री, मिलिंद गुनाजी लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। बजट था 8 करोड़ 25 लाख रुपीस का, 8 करोड़ 25 लाख का। डे वन की कलेक्शंस की बात करें तो डे वन पर इंडिया में 1 करोड़ 15 लाख की ओपनिंग कलेक्शन की थी, फर्स्ट वीक में 5 करोड़ 2 लाख की कलेक्शन की थी और फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था 6 करोड़ 83 लाख रुपीस का रहा था। इंडिया का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन 10 करोड़ 5 लाख रुपीस का रहा था। इंडिया से बाहर यानी ओवरसीज मार्केट 1 करोड़ 75 लाख की कलेक्शन की थी और फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रॉस कलेक्शन था 11 करोड़ 80 लाख रुपीस का रहा था। अब रही बात वर्डिक्ट यानी हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि देव बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। कलेक्शंस की बात हो गई, अगर मैं अवार्ड्स की बात करूं तो फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड्स में टोटल 2 अवार्ड्स मिले थे। एक था क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट मूवी और एक था क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस जो मिला था करीना कपूर को। करते हैं गानों की बात, फिल्म के अंदर टोटल 7 गाने थे, कंपोज किए थे आदेश श्रीवास्तव ने। अब सिंगर्स की बात करें तो गाने गाए थे कैलाश खेर, श्रद्धा पंडित, महाना कमत, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, सोनू निगम, आदेश श्रीवास्तव, अभिजीत भट्टाचार्य और एक गाना गाया था अमिताभ बच्चन जी ने। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।